हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखिए, सुबह की हमारी जो है वो चाय बन रही है, ये देखिए। और आप सब पूछते हैं, दी आप चाय कैसे बनाती हो? सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे आप लोग बनाते होंगे। बस थोड़ा सा अच्छे से उबाल लेती हूँ और उसमें बहुत सारा प्यार डाल देती हूँ। और ये सुबह सुबह एक बच्चा देखिए, छोटा सा, जो काजल कर लिया है, सुबह उठते ही काजल लगा ली। कौन बोला था? मौसी मौसी बोली थी क्या? क्या बोली थी? रोज रोज काजल लगाने को मौसी बोली थी? रोज रोज बोली थी? अच्छा, बोली थी कि बहुत प्यारी हो तुम, नजर लग जाएगी तुम्हें। इसीलिए लगा लिया काजल मेरा बच्चा। और लो जी, बन गई हमारी मीठी मीठी चाय। उठने के एक हाथ से फोन रखे के पड़ी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सब का। गोर लागतनी, प्रणाम करतनी, कैसन बानी जा आप लोग? और मेरी आवाज़ गायब हो गई है क्योंकि मेरा गला बैठ गया है और बादल घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, पूरा बादल बादल हुआ है, पड़ा है घर में। घर में बादल होते हैं, दिमाग में मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बस मतलब बादल, आकाश में बादल घिरे पड़े हैं। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो एकदम से, मेरी आवाज़ चली गई है, मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं फील करा रही है मेरे को। लेकिन कैसे हो आप सब? और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैंने हस्बैंड के लिए जो वीडियो बनाई उस पर इतना सारा पॉजिटिव कमेंट और इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। और मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है। बट फिर भी कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, सबके कमेंट तो कम से कम मैं पढ़ ही लूँ। और आज एक बहुत ही मतलब मन को झकझोर देने वाली घटना हुई है, बात हुई है, शेयर करूंगी आप सबके साथ। लेकिन किचन में जाके बनाती हूँ आज इनको। खेत में कुछ काम है तो जल्दी से जाना है, तो परवल की कलौंजी दाल और चावल, सिंपल सा खाना बनाऊंगी। चने की दाल आज बोल रहे हैं कि बना दो, क्योंकि खाना खा के फाइनली चले जाएंगे तो शायद 3 या 4 बजे तक आए। तो पहले इनसे निपट लूँ, इनसे इनसे तो कोई नहीं निपट सकता, अपने हस्बैंड लोगों से, मतलब खाने से निपट लूँ। अब फिर मैं मिलती हूँ, थोड़े बाल उल बना लूंगी, खाना बनाने के बाद ही कर पाऊंगी। वरना मेरी आवाज पे माइंड मत करिएगा, मेरा छुगो मुंगा भी जग गया है और पढ़ाई कर रहा है। हाय नमस्ते, मैंने बोला ना बेटा हंस के बोला करो, तो तभी से हाय नमस्ते बोलती। मम्मी मैं कैमरा देख के क्या बोलूँ, आप कैसे कर लेते हो? हालांकि ये भी कर लेती है, लेकिन आज की बात इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ी सी मैं आप सबसे करने वाली हूँ। पहले किचन में चल के फिर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हैं वो परवर को छील लेंगे। और इसको छीलने के बाद ना, इसके बीच का जो वो बीज है ना, उसको निकाल देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ज़्यादा पीले पीले बीज है ना, इनको निकाल देंगे, फेंक देंगे। लेकिन ये वाइट वाले जो बीज है ना, इनको हम यूज़ करेंगे मसालों में। मैंने ट्राई करा, सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ, अच्छी लगेगी रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। हींग और जीरा सरसों के तेल में, ये गया। और इसमें जो है वो जाएगा सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा भून लिया, क्योंकि सौंफ थोड़ी ना बरसात की वजह से ऐसे नहीं सूखी, मतलब ऐसे हो जाती है, इसलिए। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल के और इसी मसाले में मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। आप सबको पता है कलौंजी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हर एक चीज़ की, करेले की बनाओ। मैंने एक दिन शेयर भी किया करेले वाली आप सबके साथ। थोड़ा सा मसाला भुनेंगे और आँच हमेशा धीमी रखेंगे क्योंकि जल जाएंगे मसाले। उसके बाद मैंने मिला दिया इसमें बेसन, और बेसन को हम बहुत अच्छे से भुनेंगे धीमी आँच पे, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ। ये जो वाइट वाइट आपको भी थोड़े थोड़े बेसन के जो ढेले दिख रहे हैं ना, ये भी एकदम अच्छे से मैं कर दूँगी, मिला दूँगी। उसके बाद हम जो है वो इसको मिक्स कर ले, मतलब सब कुछ मसाले हो गए ना, अब हम इसमें इसको भर देंगे अच्छे से परवल में। आप इसके आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो है मुझे परवल के ही फटाक से बनाने थे क्योंकि इनको जाना था, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से मसाले जो है भर दिए, और थोड़ा सा तेल हम डालेंगे। और तेल डालने के बाद यहाँ पे
इसको हम अच्छे से दोनों साइड पे पकने देंगे। अब हम दाल फ्राई कर लेते हैं, इसमें भी जाएगी थोड़ी सी हींग और जीरा, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्च भी चला जाएगा। अब बहुत टेस्टी लगता है चने का दाल, तो बिना फ्राई तो मैं तो कभी नहीं बनाती। और हमारे यहाँ चने का दाल ज़्यादा हुआ है तो आजकल हम वही खा रहे हैं खूब दबा के। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए थे और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और चने की दाल बिना टमाटर के तो ऐसे भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोचा चलो दाल चावल और इसके साथ ये परवल की कलौजी, मतलब अच्छा लगेगा। और आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये देखिए दाल कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने कुकर में दाल को जो है वो उबाल लिया था। और तो किचन से निपट के मैं फ्री हो गई हूँ, और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। किसी ने मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे को बोल दिया कि, किसी ने नहीं, दो तीन दिनों से लगातार वो लोग बोल रहे हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आपने इसको गोद लिया है, थोड़ी भी शर्म नहीं है अब लोगों के अंदर। माफ़ करिएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब हस्बैंड तक भी ठीक था, लेकिन मेरे बच्चे को कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ सकती, बिना जवाब दिए तो उसको नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मेरे और हस्बैंड के बीच में एज गैप है, तो लोगों को लगता है कि उनकी पहली वाइफ का है या फिर मैंने गोद लिया है, तो ये फालतूगिरी आप प्लीज़ आज के बाद कोई मत लिखिएगा। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई, बोला कि आप बहुत यंग लगती हैं और आपकी इतनी बड़ी बेटी, हमें यकीन नहीं होता आप झूठ बोलते हो, क्यों छुपाते हो। तो मेरी बेटी जो है वो मैं 17 साल की थी, 17.5 साल की लगभग हुई होंगी तब मेरी बेटी हो गई थी। अब मेरी बेटी जब छोटी उम्र में हो जाएगी तो फिर वो, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है मेरी अरम में, कि मेरी अरम में अभी 9 साल की है लेकिन उसकी हाइट बहुत अच्छी है। और होते हैं, मेरी हाइट बहुत अच्छी है तो मेरी बेटी की भी हाइट बहुत अच्छी है, आप सब समझ सकते हैं। मेरी हाइट 5 इंच, मतलब 5.5 इंच है, मेरी बहनों की 6 और 7 है। मेरी थर्ड वाले की है 5.6 इंच, और जो मेरी सेकेंड वाली सिस्टर है उसकी हाइट की मैं बात करूँ तो 5.7 इंच उसकी वाइफ है, हाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लंबा है। तो ये मौसी लोगों पे अपनी गई है, और इस तरीके से कि बेटी की हाइट बहुत है तो वो गोदली हुई है, मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आता लोग इस तरह से डिमोटिवेट कर देते हैं। मतलब ये पर्सनल कमेंट हुआ, ये क्या बात हुआ कि गोदली हुई है, ठीक है हम नहीं लगते हैं, वो बात दूसरी है कि जल्दी हो गई। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगती, आप उसको कैमरे में नहीं दिखाते, अब नहीं दिखाती, तो आप सब इतना बोलते हैं अगर दिखाने लगूँ तो उस पर, मतलब मैं नहीं चाहती मेरी बेटी सोशल मीडिया पर आए, मैं बहुत कम दिखाती हूँ अरम्या को, मैं नहीं ले आना चाहती। आप लोग ही कभी कभी बोलते हैं जो मेरे प्यारे की अरम्या की बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, ऐसी है वैसी है, तो चलो ठीक है मैं ले आ देती हूँ कि छोड़ो थोड़ा बहुत कभी कभी ले आ देना, वैसे भी घर में है। और अभी तो मैं उसकी क्रिएटिविटी भी दिखाने वाली थी आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी उसने पेंटिंग वगैरह बनाए हैं, लेकिन बीच में ऐसा का चाहिए सब बातें कि आपकी बेटी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है ना, करेगा मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोली जो इस तरह की सोच रखते, मैंने सबको नहीं बोला, आप सबको भी पता है। और अरम्या सिजेरियन पैदा हुई, उस दौरान मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है बहुत टाइम पहले अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं उस पर आगे भी बोल पाऊँ कि उस एज में जो मैं झेलना बोलती हूँ ना कि 16 साल की उम्र में नहीं करनी चाहिए शादी, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि झेलने का मतलब होता है हम मेंटली और फिजिकली बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं। और मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई, तो मैं सोशल मीडिया पर हूँ और आप सबके प्यार और माता रानी के आशीर्वाद, मैं इन बातों को बढ़ावा नहीं दे सकती ना कि अपने माँ बाप 16 साल में शादी करो, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो बहुत, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं झेला, इसलिए मैं इस पॉइंट को बहुत ही स्ट्रांग करके रखती हूँ कि नहीं करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी मेरे सामने ये टॉपिक आता है, ये बर्फी मेरी अरम्या कब से ले आके रखी थी, मम्मी खा लेना इतने गुस्से में हो फिर बोलना, लेकिन क्या करूँ, तो मैं स्ट्रांग पॉइंट लेके बोलती हूँ कि नहीं करनी चाहिए, मैं इसीलिए बोलती हूँ। सीजेरियन हुई, बहुत सारी चीज़ें झेली, बहुत सारी चीज़ें, उन दिनों को मैं कभी लाइफ में अपने याद नहीं करना चाहूँगी जो दिन मैंने झेले। अरम्या को खालो, अरम्या को पालने से लेके अकेले मैंने पाला है, और उसको मतलब हर एक चीज़ सीजेरियन बच्चा, आप सब समझते हैं, माँ को खुद का ख्याल रखना होता है, मेरे पास कोई नहीं था, एक लोग भी नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेटी को पाला है, मतलब आप एक तो छोटी उम्र, दूसरे से मैं अकेली, तीसरे मेरी सीजेरियन बेबी हुई थी, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है, इसीलिए मैं सबके पेन को समझती हूँ और हर टॉपिक पे बोलती हूँ बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे। सो आज के बाद प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करना, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बेटी से रिलेटेड कोई भी इस तरह के कमेंट ना करना।
और सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो, क्योंकि लग जाती है एज ए माँ आप अपने आप को वहाँ पे रख के देखें तो आपको ये चीज़ें लगेंगी, फिर आपको समझ में आएंगी। मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में, क्योंकि मेरी दांतों का RCT अभी कंप्लीट होके आया है। मैं वो वीडियो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, वही वाला जाने वाला था लेकिन मेरे को लगा अभी नहीं बोलूंगी तो लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी और फिर समझ सकती हैं आप सब। तो मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। और मेरी आवाज़ भारी है, समझ सकती हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ इस तरह के, मतलब समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी आप सबसे कल।